एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं HTML फेव आइकन के बारे में। फेव आइकन पता नहीं बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट अगर ब्राउजर पर रन करते हो तो ऊपर हमारा टाइटल लिख कर आता है, राइट। टाइटल के जस्ट बगल में आपको जो छोटा सा आइकन बन के आता है हमारा, उसके जस्ट बगल में, उसको क्या कहते हैं हम? फेव आइकन कहते हैं। तो चलिए उसको कोड देखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम HTML फेव आइकन कैसे अचीव कर सकते हैं। फेव आइकन के लिए आप कोई आपके पास जो इमेज है वो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना फेव आइकन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वहां से आप फेव आइकन कस्टमाइज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है HTML फेव आइकन का और यहाँ पे ऐसे मैंने रैंडम अपनी इमेज रख ली है। ओके, सो यहाँ पे काम करते हैं, हम HTML की बॉलर प्लेट लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जब भी फेव आइकन लगाते हैं तो उसको इंक्लूड करते हैं हेड के अंदर। सो ये हमारा हेड हो गया, उसके अंदर हम लिखेंगे लिंक रिलेशनशिप आइकन। टाइप क्या रहेगा हमारा? इमेज। अब आएगा HREF में क्या करेंगे, हम इमेज का पाथ रखेंगे। तो हमारी इमेज का नेम क्या है? फेव आइकन .jpg। ये हमने यहाँ पे रख दिया, इसको कर दिया क्लोज। ओके, टाइटल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं डिजाइन विद रेहाना, ये हमने कर दी सेव। ओके, आप क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे। सो आप यहाँ पे देख रहे हो छोटी सी एक इमेज बन के आ रही है, अगर आपको दिख रही है डिजाइन विद रेहाना की। सो ये हमारी अप्लाई हो चुकी है, हमारा फेव आइकन आ गया है, ठीक है। सो इस तरह से हम फेव आइकन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और अगर आपको कोड चाहिए तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, सो हम आपको उसका कोड भी प्रोवाइड कर देंगे। और आप इसके साथ साथ अपनी इमेज में, अपनी इमेज का यूज करके फेव आइकन लगाकर अभी के अभी इसके बाद वीडियो के बाद चेक करिए। अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को प्ले करके फिर से देखिए या तो साथ साथ में इम्प्लीमेंट करिए। ओके।